का साथ ही देगी। जबकि दूसरी तरफ मीरन अब समझ रहा है अरसलान जेल में है तो वो सस्ती के साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सस्ती को अगवा करके ले जाएगा। मगर अरसलान अब बगैर वर्दी के ही मीरन का पीछा करेगा और उसके काफी बंदे भी मार देगा, जबकि पुलिस भी उसका साथ देगी और इसी वजह से मीरन का ये जुर्म भी अब पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाएगा, जबकि मुख्तियारे कत्ल केस में भी सबूत मिल जाएंगे। तब मीरन पीरल को कोई सियासी बंदा भी बचाने के लिए तैयार नहीं होगा। अब नूरी के साथ जो वादा खिलाफी पीरल ने की है, शौकत की मौत का बदला तो वो पीरल से लेगी ही। दूसरी तरफ सस्सी और नूरी भी इलाके के लोगों को समझाएंगी कि कब तक गुलाम बनकर मीरल के जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे। पुलिस का साथ दो और मीरल के खिलाफ आवाज उठाओ, तब लोग भी मीरल के खिलाफ उठ पड़ेंगे और पीरल के खिलाफ सारे लोग गवाही देंगे और जोक सरकार के लोगों को उस गुलामी से निजात मिलेगी। तब मीरल अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश करेगा, मगर सस्सी और जोक सरकार के लोग उसको पकड़ लेंगे और नूरी खुद पीरल को गोली मार देगी। जबकि ये सारी खबर मीडिया तक जाएगी और उसका सारा क्रेडिट अरसलान को मिलेगा, जबकि सस्सी का बाप उसकी शादी अरसलान से करवा देगा। मीडिया में खबर जाने के बाद अरसलान की जॉब भी वापस मिल जाएगी और सस्सी से शादी भी हो जाएगी। इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा।